हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं पाचन तंत्र एवं पोषण एवं उपापचय क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने माइंड में जरूर रख लीजिए, यही से क्वेश्चंस आएंगे और मैं अथेंटिक बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल वीडियो, एमसीक्यू चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस के पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। एंड डेली बेसिस पे आपको मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ ऑनलाइन क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज का। तो आप मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ जाइए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है कि फैट शरीर में किस रूप में जमा होता है। तो दोस्तों, जो फैट होता है वह एडिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन के रूप में जमा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर में किस रूप में जमा होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा होता है। प्रोटीन किस रूप में होता है, बदलता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अमीनो एसिड के रूप में बदल के शरीर में एकत्रित होता है। नेक्स्ट है, पानी की कमी से क्या होता है। तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम के स्रोत क्या क्या है। तो कैल्शियम जो होता है दूध, अंडा, पनीर तथा सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम क्यों आवश्यक है। तो यह हड्डियों की मजबूती तथा रक्त थक्का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का जमाने में आपका खनिज लवणों में कैल्शियम काम करता है एंड विटामिन में विटामिन के एंड रक्त कणिकाओं में प्रोथ्रोम्बिन यानी कि प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन में आपका फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बोसाइट आपका काम करता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन के दौरान खून न बहे इसके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसके लिए आप सबको पता है, विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फैट सोल्यूब विटामिन कौन कौन से हैं। फैट सोल्यूब यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ए, डी, ई, के। जैसा कि मैं सभी विटामिन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई हूँ, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, वाटर सोल्यूब विटामिन कौन कौन से हैं, यानी पानी में घुलनशील विटामिन है बी, सी एंड एच। नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड एक्सोथैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड एग्जोथैल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल एंड इसका निर्माण कैरोटीन पिगमेंट से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, यह आंखों से धुंधला दिखाई देता है और जो हमारे आंखों में रोड सेल एंड कोन सेल होता है, तो जो रोड सेल होता है वह ग्रसित हो जाता है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस में, जिसे रोडोप्सिन लेयर खराब हो जाता है, जिसे अंधेरे और उजाले में अंतर करना आसान नहीं होता है। वही भी एक होता है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णहीनता, जिसमें आपका आंखों का कोन सेल ग्रसित हो जाता है, जो रंगों में अंतर करने की क्षमता बाधित हो जाती है, उसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं। तो एंटी रिकेटिक विटामिन कहते हैं विटामिन डी को। और दोस्तों, इसको एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन एंड किडनी हार्मोन आदि भी बोला जाता है। इसको वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसमें दोस्तों, इसका दो कैटेगरी है, D2 एंड D3। D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल, जिसके कमी से टिटेनी रोग हो जाता है, अस्थियों में ऐंठन एंड
D3, दूसरा होता है D3 जिसे कोले कैल्सिफेराल कहते हैं। यह सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है D3, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है जिसमें अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अन्य वयस्कों में ऑस्टियो मलेशिया जिसमें अस्थियां मृदुल हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो अस्थियों में कैल्शियम प्रोटीन की कमी हो जाती है, और होता है टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स इन चाइल्ड एंड ऑस्टियो मलेशिया इन एडल्ट, यानी बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियो मलेशिया हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन D2 को क्या कहते हैं? तो विटामिन D2 को अर्गो कैल्सिफिराल कहते हैं। वही पूछा जाता कि विटामिन D3 को क्या कहते हैं, तो कोले कैल्सिफिराल। नेक्स्ट है, विटामिन D2 कहाँ से मिलता है? तो सूर्य की रोशनी से मिलता है, और विटामिन D3 भी सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, नेचुरल विटामिन किसे कहते हैं? तो नेचुरल विटामिन विटामिन डी को बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? एंटी स्टेरिलिटी यानी कि बाझपन रोधी किस विटामिन को बोला जाता है? तो विटामिन ई को बोला जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? तो B1 का दूसरा नाम है थायमिन। दोस्तों, सभी विटामिन एंड बी ग्रुप के जितने विटामिन हैं सभी को याद करने का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताई हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए विटामिन वाले, जिससे आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो इसमें प्रजनन क्षमता खत्म होने लगती है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से होती है बेरी बेरी। नेक्स्ट है, विटामिन B1 किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? तो इसकी प्राप्ति होती है अनाज, दाल, अंडा, लीवर आदि से। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है यानी वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से किलोसिस हो जाता है, यानी कि स्किन एलर्जी तथा होठों और नाकों का फटना। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका निकोटिनामाइड यानी नियासिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, B3 की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, 20 शिश का दूसरा नाम क्या है? 20 शिश को वैज्ञानिक रूप से हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट है, विटामिन D6 का क्या कार्य है? तो यह RBC को बनाने में मदद करता है। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है साइनोकोबाल्मिन, जिसे कोबाल्ट ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे एनीमिया होता है, जिसे पर्निशियस एनीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम वैज्ञानिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से दांतों में पायरिया हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये खट्टे फलों में प्राप्त होता है, जिसमें से आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, क्वासियोर्कर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो क्वासियोर्कर बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो एनर्जी देने वाला
पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जैसे कि हमारे पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से एनर्जी प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आता है यानी वसा, दूसरा होता है शरीर का निर्माण करने वाले जिसमें से प्रोटीन आता है, तीसरा होता है शरीर की रक्षा करने वाले जिसमें विटामिन एंड खनिज लवण आते हैं। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डर न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो बॉडी बिल्डर यानी शरीर की संरचना करने वाले, बिल्ड करने वाले न्यूट्रिशन होता है आपका प्रोटीन, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी किन खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाता है? तो जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में कौन सी दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? तो दोस्तों आंखों में दो तंत्रिका कोशिकाएं रोड एंड कोन सेल होती है, और रोड सेल जो होता है वह अंधेरे और उजाले में अंतर करने की संबंधित होता है। जैसे कि अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता यह बताती है यानी मंद प्रकाश में वस्तु को पहचानने का कार्य करती है रोड सेल, और अंधेरे में केवल रोड सेल ही एक्टिव रहता है। एंड क्या होता है, रोड सेल में रोडोप्सिन लेयर होता है जिसमें रेटिनिन एंड ऑप्सिन होता है। विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो रेटिनिन नहीं बनता है और रोडोप्सिन लेयर खराब हो जाता है जिससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में न दिखाई देने वाला रोग हो जाता है। एंड जो कोन सेल होता है यह तीव्र प्रकाश में रंग के लिए जिम्मेदार होता है यानी रंगों को पहचानने में मदद करता है। यह प्रकाश में रंगों में अंतर बताती है जैसे लाल पीला हरा नीला, इसमें मुख्य रूप से तीन चीजों में मदद करता है, आरजीबी यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू। किसी भी एक की कमी से रंग पूरा नहीं दिखता है, इसकी कमी से हो जाता है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी बिल्डर न्यूट्रिशन से अंधेरे में रोडोप्सिन को बनाने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आंखों से जुड़ जाते हैं? तो कौन से पोषक तत्व जुड़ते हैं? तो इसमें विटामिन ए जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विटामिन कौन होता है? दोस्तों विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन डी का क्या कार्य है? तो विटामिन डी का कार्य है हड्डियों को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं? तो ग्रोथ विटामिन विटामिन ए को बोला जाता है। नेक्स्ट है लाल व पीले फलों तथा पीली सब्जियों में विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो कौन सा पदार्थ होता है? कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा पिगमेंट आंखों में विटामिन ए और प्रोटीन की मौजूदगी में अंधेरे तथा उजाले के फर्क करने में मदद करता है? तो कौन करता है? रोड सेल में बनने वाला रोडोप्सिन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है? तो प्रोथोम्बिन। और प्रोथोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में प्रोथोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन दोनों का निर्माण होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है NIN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है NIN का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट है ISO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है ISO का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1952 में हुआ। नेक्स्ट है एग्मोर का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नेक्स्ट है एग्मार्क कब से शुरू हुआ? तो एग्मार्क जो है 1937 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है ISI मार्क की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1947 में हुआ।
नेक्स्ट है आईएसआई और एगमार्क किसके नियंत्रण में आते हैं? तो यह आता है ब्यूरो ऑफ इंडिया इंडियन स्टैंडर्ड के नियंत्रण में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप इसी तरह बेहतरीन तैयारी करने के लिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे जुड़े रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।